अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर पोएम द होलो मैन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वाई डज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन, शायर क्यों कहता है दौरे जदीद के इंसानों के एज ए होलो मैन के जो है वो ये खोखले इंसान जो है वो हैं। द पोइट कॉल द मॉडर्न मैन, शायर जो है वो जदीद दौर के जो इंसानों को कहता है खोखले इंसान, बिकॉज दे जनरली आम तौर पर लैक, उनके अंदर कमी है मॉरल अखलाकी वैल्यूज़ इकदार की और ख़ूबियों की, दैट आर एसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी है टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए काबिले रशक सोसाइटी माशरे को ऑफ मैन, आदमियों की। दे हैव नो विजडम, वो नहीं रखते कोई दनाई अकल नॉलेज इलम एंड एक जो है वो सही मकसद। देयर थिंकिंग, इनकी सोच इज़ नॉट जो है वो क्रिएटिव, तख्लीकी नहीं, यानी कि नेगेटिव जो है वो होती है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दें, और इसको ये आपने ना क्वेश्चन मस्त याद किया करें, ठीक है, जब आपने स्टैंजा जो है वो करना होता है तो राइटर का नाम जो है वो ज़रूर आना चाहिए। हु हैज़ रिटन, किसने लिखी द पोएम द होलो मैन, नज़म खोखले इंसान किसने लिखी, T.S. इलियट ने। वाट इज़ द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम होलो मैन, नज़म खोखले इंसान का मरकजी ख्याल क्या है। पीपल ऑफ मॉडर्न एज, जदीद दौर के जो है वो लोग आर होलो, खोखले हैं और बेरूह हैं। देयर लाइफ, इनकी ज़िंदगी एंड रिलेशंस आर मीनिंगलेस एंड सुपरफिशियल, इनकी ज़िंदगी और रिश्ते बेमानी और सतही हैं। देयर मूवमेंट, इनकी हरकत एंड एक्शन अमाल आर मीनिंगलेस, यानी कि बेमानी है। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम, नज़म जो है वो खोखले इंसान का जो है वो क्या टाइटल है। द टाइटल ऑफ द पोएम सुगेस्ट दैट मॉडर्न मैन आर नॉट लीडिंग अ नेचुरल लाइफ, नज़म का अनुमान ये यानी कि एक साइन इशारा करता है कि जदीद इंसान फितरी तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। दे आर शालो एंड सुपरफिशियल, वो खोखले और सतही हैं। तो बाकी आप आगे चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए स्टार बना हुआ, ये करते हैं। व्हाई डू द मॉडर्न मैन फेल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। द मॉडर्न मैन लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं इन सोसाइटीज़ माशरे में। दे इवन ट्राई टू कम्युनिकेट, हत्ता कि वो बात करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, बट दे मिसरेबली फेल इन इट, लेकिन वो खस्ता हाल हैं, यानी कि बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। द फैक्ट इज़ दैट देयर वॉइस, हकीकत यह है कि इनकी जो है वो वॉइस आवाज़ आर मीनिंगलेस, बेमानी है, एंड कन्वे नथिंग, और कुछ पैगाम नहीं देती। शायद जदीद दौर के इंसानों को मफलूज कुव्वत क्यों कहता है। द पोइट कॉल्स द मॉडर्न मैन, शायर कहता है जदीद दौर के इंसानों को जो है वो मफलूज, दे अपेयर टू बी लिविंग बॉडीज़ बट दे हैव नो मोशन, वो जिंदा जिस्म तो दिखाई देते हैं लेकिन इनमें कोई हरकत नहीं है। दे आर इन फैक्ट दरअसल शेप विदाउट फॉर्म एंड शेड्स विदाउट कलर, दरअसल वो बेशकल शक्लें और बेरंग अक्साएँ हैं। हाउ डू द डिपार्टेड मैन रिमेंबर यू, ये रहने दें, इसको भी छोड़ दें आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वाला करते हैं। व्हाट डू द होलो मैन मीन, खोखले इंसानों से जब वो क्या मुराद है। होलो मैन, खोखले इंसानों से मुराद द मैन, आदमी हु लैग, जिनके अंदर कमी होती है मॉरल वैल्यूज़ अखलाकी किरदार की एंड ट्रेड्स और बर्ताव की। दे हैव नो विजडम, वो नहीं रखते ना कोई दनाई ना कोई नॉलेज और जो है वो कोई इलम। ये तो थे बेटा क्वेश्चन और उनके जो है वो आंसर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोएम द होलो मैन के। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी,
اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فیما انلہ. السلام علیکم.